झारखंड मॉब लिंचिंग मामले में अब तक 11 गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी का गठन। लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस वाले सस्पेंड। जमशेदपुर के सरायकेला में बाइक चोरी के आरोप में मुस्लिम युवक की भीड़ ने की पिटाई, न्यायिक हिरासत में 4 दिन बाद शख्स ने तोड़ा दम। आज सरायकेला जाएगा कांग्रेस नेताओं का दल, मृतक तबरेज के परिवार से करेगा मुलाकात। सोशल मीडिया में पिटाई का वीडियो वायरल होने पर गरमाया मामला, पीटने वाले ने लगवाए जय श्रीराम और जय हनुमान के नारे। इसी साल 27 अप्रैल को हुई थी तबरेज की शादी, परिवार के मुताबिक पुणे में काम करता था तबरेज। तबरेज के परिवार ने की मांग, पीटने वाली भीड़ के साथ पुलिस पर भी दर्ज हो हत्या का केस, सरकारी नौकरी भी दे सरकार। झारखंड पुलिस पर आरोप, पिटाई के बाद भी तबरेज को अस्पताल में नहीं कराया गया भर्ती, आखिरी वक्त में अस्पताल ले गई पुलिस। राज्यसभा में उठा झारखंड मॉब लिंचिंग का मामला, गुलाम नबी आजाद ने कहा मॉब लिंचिंग की फैक्ट्री बना झारखंड। मुस्लिम युवक की लिंचिंग पर बोले आजम खान, अब कातिल ही मसीहा हो गया है। एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल, क्या अल्पसंख्यक समाज का विश्वास इस तरीके से जीतेंगे? कभी भी जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम, अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल प्रशासन ने परोल की अर्जी को दी मंजूरी। खेती करने के लिए राम रहीम ने मांगी 1 महीने की परोल, सिरसा प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट, रेप और हत्या के केस में दोषी है राम रहीम। राम रहीम की परोल पर कांग्रेस में अलग अलग सुर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा नहीं करेंगे विरोध, अशोक तंवर ने उठाया सवाल। उड़ीसा के मयूरभंज में भीड़ ने प्रेमी जोड़े पर किया अत्याचार, दोनों के बाल काटे, मारपीट का वीडियो वायरल। प्रयागराज में भीड़ ने तोड़ा कानून, युवक का मुंह काला कर बिना कपड़ों के बाजार में घुमाया, पुलिस देखती रही तमाशा। गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन, विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर भरेंगे पर्चा। गुजरात की दूसरी सीट के लिए जुगलजी ठाकुर भरेंगे नामांकन, ठाकुर समाज के बड़े नेता हैं जुगलजी, कांग्रेस ने अब तक नहीं किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। राज्यसभा की 2 सीटों पर अलग अलग वोटिंग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका, आज होगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने 2 सीटों पर अलग अलग चुनाव कराए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ठहराया सही, नियमों का दिया हवाला। अमित शाह और स्मृति ईरानी की लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई सीटें, 5 जुलाई को होगा चुनाव। आज संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। शाम 4 बजे लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। आज सुबह होने वाली बीजेपी की संसदीय दल की बैठक रद्द, राज्यसभा सांसद मोहनलाल सैनी के निधन की वजह से फैसला। पीएम मोदी पर संसद में अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मचा बवाल, बाद में मांगी माफी, खराब हिंदी का बनाया बहाना। राज्यों की वित्तीय हालत पर आज नीति आयोग जारी करेगा रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदनलाल सैनी का दिल्ली के एम्स में निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। सैनी के निधन पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने जताया शोक, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे सैनी। मदनलाल सैनी को श्रद्धांजलि देने के लिए एम्स में लगा बीजेपी नेताओं का तांता, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज राज्यसभा में दी जाएगी मदनलाल सैनी को श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू होगी सदन की कार्रवाई। 1 साल पहले ही मदनलाल सैनी बने थे राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष, आरएसएस और भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े रहे। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, उज्जैन और इंदौर क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में फिर मौसम का कहर, 2 दिन में बारिश और बिजली गिरने से अलग अलग हादसों में 17 लोगों की मौत, 19 घायल। मुरादाबाद में बरसात के बाद गर्मी से मिली राहत, लेकिन जल जमाव से समस्याएं बढ़ी। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरने के चलते रास्ता बंद, जगह जगह दिखी गाड़ियों की लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, गर्मी से मिली राहत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।